हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी सेना ने किया राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, आरिफ अलवी को धमकाया, जबरन खाली कराया दफ्तर। जी हां दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान में आखिर कैसे हो रहे हैं गृह युद्ध जैसे हालात, जहां राष्ट्रपति तक की इज्जत नहीं की जा रही। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत में पुतिन के न आने को लेकर रूसी राजदूत ने दे दिया ऐसा बयान जिसके बाद मच गया हंगामा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने अपने नागरिकों को पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान जाने से रोक दिया है। दोस्तों जारी कर दी है नई एडवाइजरी। सारी बड़ी जानकारियां आज आपको बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी सेना ने किया राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, आरिफ अलवी को धमकाया, जबरन खाली कराया दफ्तर। जी हां, पाकिस्तान में एक नए नाटकीय घटनाक्रम में सेना द्वारा राष्ट्रपति आरिफ अलवी को नजर बंद कर धमकाने का समाचार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाक सेना ने यह कदम अलवी को चुनावी तारीखें घोषित करने से रोकने के लिए उठाया है। शनिवार को सेना प्रमुख असीम मुनीर और ISI के DG जनरल नदीम अंजुम के वहां पहुंचने से पहले पाकिस्तानी आर्मी ने भवन की चौथी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने की है। दरअसल शुक्रवार को आर्मी चीफ और ISI DG को गुप्त सूचना मिली कि शनिवार को राष्ट्रपति अलवी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं, इसीलिए राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चौथी मंजिल पर स्थित राष्ट्रपति के दफ्तर को पूरी तरह से खाली कर लिया गया और वहां मौजूद स्टाफ को दफ्तर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। जी हां, इसके बाद वे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, उन्हें चुनाव की तारीखों के बारे में कोई भी घोषणा करने से रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक तल्ख रही और राष्ट्रपति के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। अब ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री की क्या ही इज्जत है, पाकिस्तान में आपको पहले से ही पता है, लेकिन अब राष्ट्रपति को लेकर भी ये बहुत बड़ी खबर। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। आखिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी इज्जत गवा दी है, इस बात को मानना पड़ेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत में पुतिन के ना आने को लेकर रूसी राजदूत ने दिया ऐसा बयान, मच गया हंगामा। जी हां, भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव के एक बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को लेकर कह दिया है कि वो वुमेनाइजर यानी कि महिलाओं में अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, जिसके बाद से उनकी काफी आलोचना हुई है। हालांकि अब अलीपोव ने अपने बयान को लेकर खेद जताया है और रूसी विदेश मंत्री की तारीफ की है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब साउथ एशिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीपोव से G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न आने को लेकर सवाल किया गया। उनसे सवाल किया गया कि पुतिन रूसी महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है, अगर वो भारत आते तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता, हम वाकई में काफी खुश होते, लेकिन अब आपके विदेश मंत्री बैठक में आ रहे हैं। जवाब में अलीपोव ने कहा कि रूसी पुरुषों पर आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद, वैसे लावरो शादीशुदा है लेकिन वो महिलाओं से अधिक रुचि रखने वाले इंसान है। जिसके बाद दोस्तों पूरे रशिया में और पुतिन के घर में बवाल मच गया। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका ने अपने नागरिकों को पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान जाने से रोका, जारी कर दिया एडवाइजरी। बता दें अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने गिलगित बाल्टिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने नागरिकों सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए कहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने ट्रेवल एडवाइजरी में कहा कि शांतिपूर्ण होने के इरादे से की गई बड़ी सभाएं भी कम या बिना किसी चेतावनी के हिंसक हो सकती हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से बड़ी सभाओं से बचने और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों पर नजर रखने का जोरदार आग्रह किया है। एडवाइजरी में कहा गया अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों को बड़ी सभाओं से बचने, स्थानीय मीडिया रिपोर्टों पर नजर रखने और हर समय अपने आसपास के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने अपनी सलाह में कहा है कि स्कर्दू और डाइमर क्षेत्रों में हाल के विरोध प्रदर्शनों के कारण ऐसी संभावना है कि बड़ी सभाएं हिंसक हो सकती हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां सूर्य मिशन आदित्य L1 पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सबसे बड़ा बयान, दोस्तों भारत हमारा दुश्मन, हम तो उससे पीछे रह गए। जी हां, भारत मजबूती के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग कराया और अब आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने स्पेस क्राफ्ट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया है। भारत की ये ताबड़तोड़ कामयाबियां देख पड़ोसी देश पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं जिन्हें देख कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को भारत की कामयाबी रास नहीं आ रही है, भारत की तरक्की से पाकिस्तानियों को जलन हो रही है। पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें एक वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरह
सरकार कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोगों को मजबूरन घास खाना पड़ेगा। इसके साथ ही वो स्वीकारते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी की तुलना में बहुत आगे निकल गई है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे निकल गया है। एक वायरल वीडियो में एक महिला ने आदित्य L1 मिशन को लेकर कहा कि भारत हमारा दुश्मन है, वो चांद और सूरज पर जा रहे हैं, वो आगे जाएगा तो ये हमारी इंसल्ट है। हालांकि कुछ पाकिस्तानी लोगों का अब भी मानना है कि एक दिन वे भारत की बराबरी कर लेंगे और वे भी एक दिन चांद और सूरज तक पहुंच जाएंगे। जी हां, एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि इंडिया हमसे 1000 साल आगे जा चुका है, ऐसे में उनका और हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। वहीं एक पाकिस्तानी युवक कहता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के साथ मिला देना चाहिए। एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि भारत क्यों ना तरक्की करे, वहां वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनाते हैं और पाकिस्तान में वैज्ञानिक से माफी मंगवाया जाता है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तानियों को भी रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारत उनसे वाकई में आगे जा चुका है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। उसके बाद भी पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने में लगा हुआ है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत दौरे के लिए उत्सुक होने के साथ ही निराश भी अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या शी जिनपिंग है उनकी असली वजह है? बताते, भारत में हो रही G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बेहद उत्सुक है। बाइडेन ने रविवार को कहा कि वो G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी भारत यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से निराश है कि उनकी चीनी समकक्ष शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। बता दें कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी गुरुवार यानी 7 सितंबर को भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार जो बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के इस सप्ताह दिल्ली में शिखर सम्मेलन में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। हालांकि भारत यात्रा के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है जो बाइडेन, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर उदासी भी है दोस्तों। और उसका सबसे बड़ा कारण जिनपिंग का भारत न आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने जिनपिंग को लेकर कोई नया प्लान बनाया हुआ था जो कि अब चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कश्मीर मुद्दे का हल निकाले बगैर भारत से रिश्ता नहीं। जी हां, पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा बयान, कहा हम भारत से युद्ध नहीं चाहते लेकिन कश्मीर मुद्दे जब तक हल नहीं हो जाते भारत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। बता दें, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काक्कर ने कहा है कि कश्मीर के मूल मुद्दे को हल किए बिना भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जियो न्यूज कार्यक्रम में अपने पहले विशेष साक्षात्कार में बोलते मंत्री प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकालना जरूरी है। काकर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का हल चाहते हैं, लेकिन अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। पीएम काकर ने कहा कि कश्मीर को मुख्य मुद्दा बताने का मतलब ये नहीं है कि हम भारत के साथ हर समय युद्ध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ नई दिल्ली का पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंध दोस्ताना नहीं रहे हैं। जी हां, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को ये कहकर रोक दिया था कि धारा 370 की बहाली तक दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर का मुद्दा जब तक हल नहीं होता भारत के साथ कोई दोस्ती कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। बहरहाल, अगर आप भी मानते हैं कि भारत भी कौन सा पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए तड़प रहा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जितनी ज्यादा दोस्ती कम हो उतना ही भारत के लिए तरक्की का रास्ता खुलता जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं तो बताना मत भूलिएगा दोस्तों। बहरहाल, ये थे बिकी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत